हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज़ जीरो टू इन्फिनिटी इस सीरीज में हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर रहे हैं और ये जो सीरीज है ये बेसिकली डिज़ाइन किया गया है कैट के पेपर के लिए राइट तो कैट के पेपर के सिलेबस के अनुसार ही और उसके लेवल के अनुसार ही हम लोग यहाँ पे जो भी लेक्चर है वो डिलीवर करेंगे और उसी पे बेस्ड हम लोग डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट कौन्स, और क्वेश्चन को देखेंगे तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था चैप्टर वन जिसमें हमने देखा था रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट और वो हमारा लेक्चर वन था आज हम लेक्चर टू करने वाले हैं और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो रेशियो प्रोपोर्शन और वेरिएशन को हम किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज़ कर सकते हैं आज का क्लास बहुत शानदार रहने वाला है सो वंस अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी, भी कर सकते हैं और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला है हमार हमारे पास टॉपिक टू इक्वेशन कंटेनिंग थ्री अननोन। एज ए जेनरल रूल हमारे पास जितने इक्वेशन होंगे राइट right? अगर किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो जितने वेरिएबल होंगे उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास उतने ही वेरिएबल होने चाहिए इक्वेशन okay, होनी चाहिए मान लेते हैं कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई राइट right? तो अगर एक्स और वाई दो वेरिएबल है तो इस वेरिएबल में हमें दो इक्वेशन चाहिए एज सच टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव सपोज दिस इज वन इक्वेशन एंड थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू फाइव सो so, हमारे पास इस तरह का अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए कंप्लीटली सॉल्व करने के लिए अगर तीन वेर, आ, तीन वेरिएबल है तो हमें तीन इक्वेशन चाहिए तो क्या होगा जब हमारे पास दो इक्वेशन है यहाँ पे हमारे पास कितने इक्वेशन है दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन में कितने वेरिएबल है थ्री वेरिएबल है तो क्या हम इस तरह के इक्वेशन को कंप्लीटली सॉल्व कर पाएंगे तो चूंकि हमारे पास किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जितनी वेरिएबल होंगे उतनी ही इक्वेशन की जरूरत होगी सो so, यहां पे हम कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर पाएंगे टू इक्वेशन कंटेनिंग थ्री अनोन में बट हम लोग सॉल्यूशन जो आएगा राइट right? मान लेते हैं तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड तो हम लोग एक्स वाई जेड का रेशियो फाइंड कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं इस चीज को अभी हम लोग देखने वाले हैं तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन है तीन वेरिएबल का कंटेनिंग लीनियर इक्वेशन तो हम लोग ले लेते ए वन एक्स प्लस बी वन वाई ओके प्लस सी वन जेड मान लेते ये हमारा एक इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन हो गया हमारा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड राइट तो ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गए लेकिन यहां पे अगर हम सॉल्व करना चाहें इन दोनों इक्वेशन को तो हम इन दोनों इक्वेशन को कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर पाएंगे रीजन बीइंग हमारे पास तीन वेरिएबल है एक्स वाई और जेड के तो हम क्या कर सकते हैं जो इसको पार्शियली सॉल्व कर सके मतलब कि अगर इस तरह का सिस्टम इक्वेशन है तो हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू तो नहीं फाइंड कर सकते हैं बट वी कैन फाइंड एक्स इज टू वाई इज टू जेड ये रेशियो हम लोग फाइंड कर सकते हैं कैसे तो देखिए अगर इक्वेशन वन को हम जेड से डिवाइड कर दिया हमने इक्वेशन वन को क्वेशन वन डिवाइड बाई वेरिएक्वेशन बिकमर जेड से प्लस बी वन वाई ओवर जेड प्लस ये हो जाएगा सी वन सो दिस इज इक्वेशन फास्ट सिंपली हम लोगों ने दोनों तरफ जेड से डिवाइड किया है इक्वेशन वन को और सिमिलरली इक्वेशन टू को भी हम जेड से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए टू एक्स ओवर जेड प्लस बी टू वाई ओवर जेड प्लस सी टू ये हमारा इक्वेशन नंबर टू बन गया अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो वेरिएबल है एक्स ओवर जेड इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल एक्स एंड वी कैन एज्यूम दैट वाई ओवर जेड सो दिस इज इक्वल टू कैपिटल वाई ऐसा करने से क्या होगा हमारा जो इक्वेशन है इक्वेशन फर्स्ट कैन में रिटर्न हैज ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो अब देखिए यहाँ पे हमने वेरिएबल को ही चेंज कर दिया मतलब एक्स बाई जेड को हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया ए दूसरा वेरिएबल ले लिया डेट इज कैपिटल एक्स एंड वाई वाई ओवर जेड को स्मॉल वाई ओवर जेड को हमने दूसरा वेरिएबल ले लिया क्या कैपिटल वाई अब जो इक्वेशन बना सपोज दिस इज इक्वेशन ए एंड दिस इज इक्वेशन बी अब इस दोनों इक्वेशन को हम देखते हैं सो दिस इक्वेशन इज वी हैव टू इक्वेशन हमारे पास दो इक्वेशन है और दो इक्वेशन में दो वेरिएबल है अब ये वाला पार्ट हम लोग सिस्टमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो आप जाके वहां पे देखेंगे सब्सटीट्यूशन में सो वी कैन राइट हेयर वीडियो सब्सटीट्यूशन इक्वेशन का डाला डाल दिया गया है कैट वाले लेक्चर में तो आप वहां पर देख सकते हैं सो इफ यू मल्टीप्लाई इक्वेशन ए विथ बी टू सो वी कैन राइट देखिए ध्यान से ए वन बी टू एक्स प्लस बी टू से मल्टीप्लाई किया हमने इक्वेशन एक को सो बी वन ए वन बी टू प्लस दिस इज बी वन बी टू राइट प्लस सी वन बी टू सो इक्वल टू जीरो और इक्वेशन बी uh, को हम लोग किसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी वन से सो वी कैन राइट हेयर बी वन ए टू ध्यान से देखेंगे एक्स प्लस बी वन बी टू वाई प्लस हमने किससे मल्टीप्लाई किया इसको बी वन से सो बी वन सी टू सो वी कैन राइट हेयर बी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो अब इस दोनों इक्वेशन को घटाएंगे अगर जैसे ही हम यहाँ पे घटाएंगे तो क्या होगा ये वाला माइनस हो जाएगा ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बी वन बी टू है तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू ध्यान से देखेंगे सी वन बी टू माइनस सी वन बी टू Uh, यहाँ से क्या हो जाएगा सी वन बी टू और सो so, यहाँ पे देखिए इस चीज को भी हम इरेज कर देते हैं जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा अब हमने यहाँ पे क्या किया घटाया है तो घटाया है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको सो वी कैन राइट एक्स ध्यान से देखिए एक्स इंटू ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू सो दिस इज इक्वल टू अब हम ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा बी वन सी टू ध्यान से देखेंगे बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू तो यहाँ से x इज इक्वल टू बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू डिवाइड बाई क्या आ गया हमारा ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू ये हमारा x की वैल्यू आ गई और इस x की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन b में डालें तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कैपिटल y की और ये कैपिटल y की वैल्यू होगी c1 वन ए टू माइनस सी टू ए वन डिवाइड बाई दिस इज ए वन बी टू माइनस ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल x और कैपिटल y की वैल्यू आ गई अब हम क्या कर सकते हैं अब हम लोग देखें यहाँ पे कि जो कैपिटल x है वो कैपिटल x बेसिकली है क्या वो कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स डिवाइड बाई जेड है और सो स्मॉल एक्स डिवाइड बाई जेड कैन बी रिटन एज ध्यान से देखेंगे बी वन सी टू यही चीज आएगा बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू डिवाइड बाई ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन ए वन बी टू दिस इज ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू और कैपिटल वाई क्या था हमारा स्मॉल वाई ओवर जेड था तो ये हमारा आ गया वाई ओवर जेड is c1 a2 c1 a2 minus c2 a1 divide by a1 b2 minus a2 b1 अब यहाँ पे एक चीज देखिए क्या हो गया कि हमने x is to y ले लिया और y is to z ले लिया तो हमारे पास x is to y आ गया ध्यान से देखेंगे और y is to z की वैल्यू आ गई so वी कैन राइट इट एज ध्यान से देखेंगे इस फर्स्ट वाले पार्ट को एक्स ओवर ये बी वन सी टू को हम लोग नीचे ले आते हैं बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू सो दिस इज इक्वल टू जैड ओवर क्या हो जाएगा ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू और यहां पे हम लोग सेकेंड वाले पार्ट में क्या कर सकते हैं वाई ओवर सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन दिस इज इक्वल टू जेड ओवर ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन अब देखिये जेड ओवर ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इज इक्वल टू एक्स ओवर बी वन सी टू माइनस सी वन ए टू है और यही वाई ओवर सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन है सो वी कैन राइट हियर एक्स ओवर बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू इज इक्वल टू वाई ओवर सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन राइट और दिस इज इक्वल टू जैड और ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन तो यहाँ पर हम लोगों ने एक्स इज टू वाई इज टू जैड की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया जब हम एक रेशियो फाइंड कर लेंगे तो जब हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कोई भी इक्वेशन सेट ऑफ इक्वेशन आता था कंस्टेंट पर आता है अगर वेरिएबल कम है अगर इक्वेशन कम है या वेरिएबल अधिक है तो उस कंस्ट्रेंट को यूज करके फिर हम फाइनली निकाल सकते हैं तो यहां पे हम जो x1 वन देखिए ध्यान से x इज टू वाई इज टू जेड का जो रेशियो है ये हमारा हो गया अब ध्यान से देखेंगे b1 वन सी टू माइनस बी टू सी वन राइट इज टू सी वन ए टू माइनस ए टू सी वन इज टू ए वन बी टू ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन यही तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना लेकिन याद कैसे रखेंगे तो आप देखिए इस तरह लिख सकते हैं बी वन राइट सी वन बी वन साइकिल ऑर्डर में बी वन सी वन ए वन और बी वन राइट और यहां पे नीचे हम लोग लिख लेंगे बी टू सी टू ए टू बी टू मतलब बी वन से बी वन बी टू से बी टू अब आपको कैसे जाना है बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन तो ये हो गया बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन फिर दूसरा ये एक्स वाला रेशियो हो गया ठीक है ये एक्स वाला रेशियो हो गया फिर सी वन ए टू वाई के लिए सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन माइनस सी टू ए वन ये वाई वाला रेशियो हो गया तो यहाँ पे वाई का रेशियो लिखेंगे स्मॉल वाई राइट और जेड के लिए हम लोग फिर से ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन तो ये हमारा जेड का रेशियो हो गया तो इस तरह से हम इस चीज को रेशियो को भी हम लोग याद रख सकते हैं राइट तो ये हो गया हमारा जब हमारे पास दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है तो इस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को किस तरह से हमको सॉल्व करना है और यहाँ पे रेशियो एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है और ये ये बताता है कि जब हम रेशियो को यूज कर सकते हैं करेंगे तो टू इक्वेशन कंटेनिंग थ्री अननोन को रेशियो टर्म में हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है थ्री इक्वेशन कंटेनिंग थ्री अननोन अब देखिए तीन इक्वेशन है और तीन अननोन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं थ्री इक्वेशन कंटेनिंग थ्री अननोन में कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखना होगा कि इस केस में हम लोग इलिमिनेशन कर सकते हैं रेशियो निकाल सकते हैं तो जब हम इलिमिनेशन करेंगे तो एक कंडीशन निकल के आएगा उस कंडीशन को हम लोग लिखेंगे और ये कंडीशन हमारे बहुत कॉर्नेट uh, ज्योमेट्री में जब हम कॉर्नेट ज्योमेट्री करेंगे तो उसमें भी यूज़ आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है सो वी कैन राइट थ्री इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल सो वी कैन राइट ए वन एक्स प्लस वन वाई प्लस

हम क्या कर सकते हैं इस दोनों इक्वेशन को सपोज इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ले तो एक्स ओवर देखिए ध्यान से अभी अभी हम लोगों ने किया है बी एक्स ओवर अगर हम दो इक्वेशन ले लें इक्वेशन ये ए मान लेते ये ए है ये बी है और ये सी है तो हम यहाँ पे इक्वेशन बी और इक्वेशन सी को ले लेते हैं ठीक है तो बी और सी से एक्स ओवर बी टू सी थ्री ध्यान से देखेंगे बी टू सी थ्री राइट माइनस सी टू बी थ्री ओके इज इक्वल टू वाई ओवर सी टू ए थ्री सी टू ए थ्री माइनस दिस इज सी थ्री ए सी थ्री ए टू राइट एंड जेड इ ओवर क्या हो जाएगा ये ए टू बी थ्री ए टू बी थ्री माइनस ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू माइनस ए थ्री बी टू ये हमारा हो गया रेशियो जब इक्वेशन बी और सी वाले पार्ट को सॉल्व किए तो एक्स वाई जेड के रेशियो अगर यहाँ पे हमारे पास आ गई अब हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू रख सकते हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दिस रेशियो मस्ट बी इक्वलाइज एज के इसको हम लोग के मान लेंगे प्रीवियस क्लास में देखा था तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू के इन टू बी टू सी थ्री माइनस सी टू बी थ्री ये एक्स का मान हो गया यहाँ से अगर हम वाई का वैल्यू निकालना चाहें तो वाई इज इक्वल टू के सी टू ए थ्री माइनस सी थ्री ए टू हो गया और अगर हम जेड की वैल्यू यहाँ पे यहीं पे लिख लेते हैं जेड इज इक्वल टू के और ये हमारा हो जाएगा जेड ए टू बी थ्री ध्यान से देखेंगे ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है ध्यान देंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू के टर्म में आ गया अब इस एक्स वाई जेड की वैल्यू को अगर इक्वेशन वन में डालेंगे तो क्या होगा हमारे पास ए वन है ए वन है इन टू एक्स एक्स क्या है हमारा के सो वी कैन राइट हेयर के ध्यान से देखेंगे बी टू सी थ्री माइनस सी टू बी थ्री ओके प्लस यहीं पे ले लेते हैं प्लस वाई सेकंड पार्ट है वाई वाला तो वाई की जगह हम लोग बी वन इंटू वाई की जगह क्या B1, into ले सकते हैं के इन सी टू ए थ्री माइनस सी थ्री ए टू और थर्ड पार्ट क्या है हमारा अगेन प्लस सी वन ओके सो वी कैन राइट हेयर के इन टू ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू और ये किसके बराबर है ये है जीरो के बराबर मतलब हमने एक्स वाई जेड का रेशियो निकाल लिया और इस रेशियो से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लिया और इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया दे। अब देखिए तीनों में क्या है के कॉमन है So, जब तीनों में के कॉमन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि के को कॉमन करके जीरो कर सकते हैं और जीरो जब करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि ए वन बी टू सी थ्री ए वन इंटू बी टू सी थ्री ध्यान से देखेंगे माइनस सी टू बी थ्री ठीक है माइनस सी टू बी थ्री हमने क्या किया प्लस किया प्लस बी वन के को कॉमन करके जीरो कर दिया सो बी वन सी टू ए थ्री सी टू ए थ्री माइनस ये हो जाएगा सी थ्री ए टू सी थ्री ए टू प्लस सी वन दिस इज ए टू बी टू ए टू बी थ्री ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू माइनस ए थ्री बी टू तो ये जब तीन इक्वेशन वेरिएबल इस सिस्टम में होगा तो तीनों कॉफिशियंट ए वन बी टू बी वन और सी वन में ये रिलेशन आ जाएगा और इस रिलेशन को हम कहते हैं एलिमिनेशन एलिमिनेंट ऑफ सिस्टम कंटेनिंग टू वेरिएबल और बेसिकली ये हमारा क्या हो जाता है अगर आप ध्यान से देखेंगे ये एक डिटर्मिनेंट का फॉर्म आया था ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री एंड C1, C2, C3 टू दिस इज इक्वल टू जीरो और ये वाला कंडीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉर्नर ज्योमेट्री में जब हम देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो क्यों हो जाता है या फिर हम लोग ये देखेंगे कि कंकरेंसी का कंडीशन क्या होता है तो वो सब चार सारा कॉन्सेप्ट हमारा इसमें आएगा और रेशियो में जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करेंगे ठीक है तो जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने बैठेंगे या जब भी करेंगे तो वहां पे इस इक्वेशन को इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं आपको थोड़ा सा लुक दे देता हूं राइट तो देखिए ध्यान से क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कह रहा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है ए एक्स राइट प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जैड इज इक्वल टू जीरो और थर्ड इक्वेशन है बी बी सी एक्स प्लस सी ए वाई प्लस ए बी एक्स दिस इज इक्वल टू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी सपोज ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको कहा आपको सॉल्व करने के लिए ओके okay, तो अगर सॉल्व करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से एक्स इज टू वाई इज टू जेड की रेशियो निकाल सकते हैं चलिए निकालते हैं सो वी कैन राइट हेयर एक्स इंटू बी इंटू यहाँ पे वन है कॉफिस इंटू वन है तो बी इंटू वन बी माइनस वन इंटू यहाँ का कॉफिस इंटू वाई का कॉफिस इंटू वन होगा सी देखिए इस तरह से होता है कैलकुलेशन ठीक है सो बी माइनस सी ये एक्स का हो गया इज इक्वल टू अगर हम वाई का ले तो वाई का क्या हो जाएगा सी माइनस ए वाई ओवर सी माइनस ए एंड दिस इज इक्वल टू जेड ओवर ए माइनस बी ये हमने रेशियो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हम लोगों ने एक्स इज टू वाई इज टू जेड की रेशियो निकाले सिर्फ इक्वेशन को देख के एंड दिस इज इक्वल टू के आपको ये वाला चीज़ याद रखना है कैसे हम लोग करते बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन तो सेम चीज़ यहाँ पे भी किया गया है तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू के इंटू बी माइनस सी वाई इज इक्वल टू के इंटू सी माइनस ए जेड इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस बी तो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई अब इस एक्स वाई जेड की वैल्यू को हमें इसमें पुट करना है इक्वेशन थर्ड में राइट right? तो इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो देखते हैं इक्वेशन थर्ड में एक्स की वैल्यू के इंटू बी माइनस सी है तो बी सी इंटू एक्स इज के सो के इंटू बी माइनस सी प्लस सी ए वाई की वैल्यू के इंटू सी माइनस ए राइट प्लस हमारे पास ए बी इंटू यहाँ पे जेड होगा ए बी इंटू जेड होगा हमारे ख्याल से हाँ ए बी इंटू जेड ए बी इंटू के इंटू ए माइनस बी सो दिस इज इक्वल टू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी तो यहाँ से हम लोग के की वैल्यू निकालेंगे और के की वैल्यू जब हम इसको कंप्लीट सॉल्व करके निकालेंगे आप खोल के देखेंगे इसको के इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा और जैसे ही के इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा तो हमारे पास एक्स का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू माइनस वन यहाँ पे पुट करेंगे के इज इक्वल टू माइनस वन सभी में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा c माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस सी और z इज इक्वल टू बी माइनस ए आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से हम सोल्यूशन कर सकते हैं मतलब जब भी हम रेशियो निकाल सकते हैं दो इक्वेशन से और उस इक्वेशन से के की वैल्यू निकाल के हमें तीसरे इक्वेशन में डालना होगा तो ये बेसिकली दो पार्ट था इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वेल एंड गुड है अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है नहीं तो आप वीडियो दो बार या तीन बार देखेंगे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बहुत बट ये ईजी है और इस पर बेस्ड हम एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करता है अब चलते हैं कुछ पार्ट्स क्वेश्चन पे ठीक है तो यही पार्ट था हमारा कंटेनिंग टू इक्वेशन कंटेनिंग थ्री अनोन हो गया राइट यहाँ पे टू अनोन था और थ्री अन था अब ये है क्वेश्चन द कुछ क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बेस्ड जो कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा आपको और समझने की uh, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है रेशियो को उसको समझने में मदद करेगा राइट तो पहला क्वेश्चन है द स्कोर ऑफ मोहन एंड सोहन इन टेस्ट इज इन रेशियो फाइव इज टू फोर अब देखिए मोहन का स्कोर है तो मोहन का स्कोर मान लेते हैं X है देखिए कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को मोहन स्कोर सपोज दिस इज इक्वल टू एक्स एंड सोहन का स्कोर ये हमारा वाई अब कह रहा है एक्स इज टू वाई का रेशियो गिवन है फाइव इज टू फोर सो एक्स ओवर वाई फाइव के एंड वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं फोर के तो हमने एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू के टर्म में लिख दिया अब कह रहा है इफ देयर टोटल स्कोर इज वन थर्टी फाइव इस दोनों का जोड़ वन थर्टी फाइव है चलो जी जोड़ देते हैं तो एक्स प्लस वाई सो इक्वल टू नाइन के और जोड़ कह रहा है तो का मान 15 आ गया तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना था तो एक्स की वैल्यू है फाइव के सो फाइव 15 पंद्रह सो दिस इज इक्वल टू पचहत्तर और वाई इज इक्वल टू है फोर के सो दिस इज इक्वल टू फोर इन टू पंद्रह सो दिस इज इक्वल टू साठ तो मोहन का स्कोर कह रहा है फाइंड करने के लिए और मोहन का स्कोर हमने एक्स फाइंड किया है सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द मोहन स्कोर इज एक्स आप चेक भी कर सकते हैं अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो वन थर्टी फाइव हो जाएगा तो रेशियो का यही है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से के, के टर्म में आपको ले जाना है क्योंकि सभी अगर रेशियो इक्वल है तो अच्छे तरह से सारा क्वेश्चन बन जाएगा एक ईजी क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट इसका आगे चलते हैं इफ क्वेश्चन है ए इज टू बी इज इक्वल टू थ्री इज टू फोर फिर से हम ये क्या करेंगे ए ओवर बी का वैल्यू गिवन है थ्री ओवर फोर तो यहाँ से हम इसको इसी तरह लेके चलेंगे ए ओवर थ्री इज इक्वल टू बी ओवर फोर इज इक्वल टू के सो वी कैन डाइट ए इज इक्वल टू थ्री के और बी इज इक्वल टू फोर के और आपको फाइंड करना है थ्री ए प्लस फोर बी डिवाइड बाई फोर ए प्लस फाइव बी चलिए जी इसको फाइंड करना है तो के के टर्म में सभी को लिख लेते हैं थ्री इंटू ए इज इक्वल टू थ्री के सो दिस इज थ्री के प्लस फोर इंटू बी इज इक्वल टू फोर के हमने फोर के डाल दिया फोर इंटू ए इज इक्वल टू थ्री के डाल दिया प्लस फाइव इंटू बी इज इक्वल टू फोर के हमने डाल दिया अब इसी को सॉल्व करना है सो दिस इज नाइन के प्लस दिस इज सिक्सटीन के डिवाइड बाई दिस इज ट्वेल्व के प्लस दिस इज ट्वेंटी के ओके सो so, ये हो गया हमारा पच्चीस के और ये हो गया हमारा बत्तीस के अब यहाँ पे के और के कट जाएगा हमें रेशियो का वैल्यू फाइंड करना था तो इसका जो वैल्यू है सो दिस इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ओवर थर्टी टू आसान था दूसरा तरीका एक और है इसको करने के लिए हम यहाँ पे जो पहला कॉन्सेप्ट था कि हमने ये कहा था कि किसी भी रेशियो को अगर मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से ऊपर और नीचे तो रेशियो अनअल्टर्ड होता तो एक काम कर सकते हैं अगर इसे निकालना है थ्री ए प्लस फोर बी डिवाइड बाई फोर ए प्लस फाइव बी तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को बी से डिवाइड कर देते कर दें सो so कर दें करेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री ए ओवर बी प्लस फोर बी ओवर बी इज वन तो कट के फोर हो जाएगा और फोर दिस इज एवर बी प्लस फाइव अब यहाँ से ए ओवर बी का वैल्यू थ्री ओवर फोर फाइव थ्री इंटू थ्री ओवर फोर प्लस फोर डिवाइड बाई फोर प्लस फोर कर सकते हैं यहां से आप इस चीज को डाल के सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन का यही आंसर आ जाएगा बहुत इजी क्वेश्चन था दो क्वेश्चन हमने अभी किया एक और क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन है थर्ड वन देखिए ध्यान से द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मार्बल विथ राम एंड श्याम तो इज नाइनटीन इज टू थर्टीन तो राम और श्याम के पास मार्बल है तो राम के पास मान लेते हैं कि एक्स मार्बल है और श्याम के पास वाई मार्बल है ओके सो रेशियो गिवेन है सो एक्स इज टू वाई सो दिस इज इक्वल टू नाइनटीन ओवर थर्टीन गिवन है जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे वहां से जो भी मैथमेटिकल टर्म हम लोग लिख सकते हैं लिखेंगे राइट right? सो so, यहां से एक्स ओवर नाइनटीन इज इक्वल टू वाई ओवर थर्टीन सो रेशियो के टर्म में हम मान लेंगे दिस इज इक्वल टू के सो वी हैव एक्स इज इक्वल टू नाइनटीन के एंड वाई इज इक्वल टू थर्टीन के अब हमारे पास रेशियो के टर्म में आ गया पहले लाइन से इतना कुछ हम लोगों लिख लिया अब क्वेश्चन में है इफ राम गिव्स श्याम थर्टी मार्बल राम जो है एक्स से निकाल के वाई को कितना दे देता है थर्टी मार्बल दे देता है जब थर्टी मार्बल दे, दे देता है बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ मार्बल जैसे ही दोनों के पास मार्बल नंबर ऑफ मार्बल इक्वल हो जाएगा रेशियो क्या हो जाएगा वन राइट सो 19 माइनस नाइनटीन के माइनस कितना दे रहा है थर्टी किससे निकला एक्स से ये किसको गया y को तो y का कितना हो जाएगा y इज थर्टीन के प्लस थर्टी और ऊपर वाला क्या हो जाएगा ये हमारा x अब कह रहा है रेशियो बराबर है मतलब x ओवर y इज इक्वल टू वन है सो so, यहां से न के माइनस थर्टी डिवाइड बाई थर्टीन के प्लस थर्टी इज इक्वल टू वन इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगा कितना दस यहाँ से के की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो दस आ जाएगा कैसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे डेट इज यहीं पर कर देता हूँ मैं सॉल्व नाइनटीन के माइनस थर्टी इज इक्वल टू थर्टीन के प्लस थर्टी ठीक है ट्रांसपोज कीजिए तो ये सिक्सटी हो जाएगा और इधर जाएगा छः सिक्स के इज इक्वल टू सिक्सटी सो दिस इज के इज इक्वल टू टेन जब के की वैल्यू टेन आ गई तो एक्स का वैल्यू नाइनटीन के था सो नाइनटीन मल्टीप्लाई बाई टेन सो दिस इज वन नाइन्टी और के की वैल्यू टेन है तो वाई का थर्टीन के था तो थर्टीन इंटू टेन सो दिस इज वन थर्टी तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फाइंड द नंबर ऑफ मारवल विथ राम तो राम के पास एक्स मारवल था सो so राम के पास कितना मार्वल हो गया यहाँ पे आंसर निकल सकता है वन नाइनटी मारवल राम का होगा तो रेशियो का यही खूबसूरती है आप आसानी से के के टर्म में लेके जाए किसी भी क्वेश्चन को रेशियो को और इसको सॉल्व करें आराम से हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है एक और क्वेश्चन दे रहे थे टू नंबर आर इन द रेशियो एक्स आर इन द रेशियो थ्री इज टू फोर सपोज एक नंबर एक्स है एक नंबर वाई है दोनों का रेशियो गिवन है सो थ्री ओवर फोर है चलिए जी एक्स ओवर थ्री इज इक्वल टू वाई ओवर फोर कर लेते हैं इसको सो दिस इज इक्वल टू के सो एक्स इज इक्वल टू हमारा थ्री किया जाएगा और वाई इज इक्वल टू हमारा फोर किया जाएगा कह रहा है व्हाट पार्ट ऑफ लार्जर नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच नंबर सो डेट द रेशियो बिकम फाइव इज टू सिक्स कह रहा है कि लार्जर नंबर का कौन सा पार्ट दोनों में एड करे जिससे कि रेशियो हमारा फाइव इज टू सिक्स हो जाए सपोज हम दोनों नंबर में के वैल्यू यूज़ करते हैं सो के ऐड करते हैं तो रेशियो पहले एक्स ओवर वाई था थ्री टू फोर तो एक्स में हमने ऐड कर दिया के और वाई में हमने ऐड कर दिया के अब ये रेशियो हो गया फाइव ओवर कितना सिक्स हमें के की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ लार्जर पार्टेटिज वाई के हिसाब से सो एक्स का मान हमारे पास थ्री के प्लस यहाँ पर के हम लोग ले लिया है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं एम ले लेते हैं एम ले लेते हैं ठीक है एम ऐड करते हैं सो थ्री के प्लस एम डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू फोर के प्लस एम दिस इज इक्वल टू फाइव ओवर सिक्स यहाँ से हमें एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी हमने यहाँ पे क्या कहा है कि न्यूमिनेटर में एम और डिनोमिनेटर में भी एम ऐड करते हैं जिसके कारण रेशियो फाइव इज टू सिक्स हो जाता है सो दिस इज एटीन के प्लस सिक्स एम बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिस इज ट्वेंटी के प्लस फाइव एम ध्यान से देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लीस छः पंचे छेत्री का अठारह सिक्स एम पाँचों का बीस और फाइव एम तो यहाँ से हम अगर सॉल्व करेंगे तो इसको इधर ले आते हैं एट के को और फाइव एम को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो हमारे पास एम इज़ इक्ल टू टू के अठारह में से बीस में से अठारह गया टू के आ गया तो एम जो है टू के आ गया अब कह रहा है कि कितना पार्ट होगा किसका लार्जर नंबर का लार्जर नंबर क्या है वाई तो रिक्वायर्ड पार्ट हो जाएगा एम ओवर वाई और एम की वैल्यू कितनी है टू के और वाई की वैल्यू कितनी है फोर के तो ये हमारा कितना हो गया वन बाई टू मतलब फिफ्टी परसेंट आधा पार्ट लार्जर नंबर का हमें ऐड करना होगा दैट इज हाफ ऑफ द लार्जर नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच नंबर इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड रेशियो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये वाला है देखिए फोर्टीन हंड्रेड इज डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट सच डेट हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट वन थर्ड ऑफ द सेकेंड पार्ट वन फोर्थ ऑफ द थर्ड पार्ट एंड वन ट्वेल्थ ऑफ द लास्ट पार्ट आर इक्वल फाइंड द फोर्थ पार्ट ये आपके होमवर्क के लिए है आप इसको होमवर्क में देखेंगे आसानी से ये एक रेशियो वाला क्वेश्चन है और ये एक और रेशियो वाला क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ ये वाला तो ये लगभग चार क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए चूँकि आप कैट का, का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सब क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स बॉक्स में डालें अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं ठीक है तो अभी तक हम लोगों ने रेशियो का डेफिनेशन देखा रेशियो की प्रॉपर्टीज़ देखी रेशियो पे बेस्ड टू वेरिएबल इन थ्री अननोन टू इक्वेशन इन थ्री अननोन एंड थ्री इक्वेशन इन थ्री अननोन में रिलेशन देखा अब हम क्या करेंगे कि ये जो सारा कॉन्सेप्ट है इससे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लेवल हमने स्टार्ट कर दिया जीरो से और इसको धीरे धीरे बना के कैट के लेवल तक लेके जाएंगे तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि कैट के पेपर का टाइम बहुत कम है तो शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हैव ए गुड डे जय हिंद